भाई क्या हुआ? कुछ नहीं यार, पापा भी बीमार है और इकोनॉमिकल सपोर्ट भी नहीं है। डिस्क्लेमर में तो पढ़ी ली होगा, ये वीडियो सिर्फ एक मस्ती मजाक के लिए बनाई जा रही है, बहनचोदे से दिल दिमाग पे लेने की जरूरत नहीं है। तो आज हम बात करने वाले यूट्यूब की नगरी के जाने माने पहचानदार शानदार गांडदार कलाकार मनोज दे के बारे में। अब मैंने शानदार गांडदार और जानदार इसलिए बोला क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता कि ये टेक यूट्यूबर है या फिर ब्लॉगर। भाई साहब टेक यूट्यूबर के साथ साथ एक एक्टर भी है। ये लौंडा उन मुट्टलों का सहारा जो चार दिन पहले YouTube चैनल खोल कर प्रमोट करने की बात करते। तो यार बिना टाइम की माँ चोदी शुरू करते आज का वीडियो बिना किसी फक्त चोदी के। भाई मेरी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम मेरे बाप को पसंद नहीं, आप उसे कैसे समझाए कि हम हमरे बाप को पसंद नहीं तो उसके बाप को क्या पसंद आएंगे। हंसो अब बैठ के लोड़े, इतना क्या खा के लिखा था बहन चोदी जोक। एक बार वो टिकटॉक या रील्स में आता तो बहन चोद हंसी छूट जाती, लेकिन नहीं माँ चोदी यूट्यूब की बहन के लो। अबे साले द कंपाउंड पेंडुलम इज रिजिड बॉडी एंड कैपेबल। यहाँ पर हमें इस स्टोरी के माध्यम से ज्यादा कुछ नहीं, बस दिखाया जा रहा है कि मास्टर पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को और वो स्टूडेंट इतने हराम खोर है, बहन के लोड़े उन्हें तमीज नहीं है स्कूल में बेटा कैसे जाता, बेटी चोद एक बैग टांग है, ये कुछ कर रहा है एक बहन का। और मास्टर को अलग ही खुजली मच रही है, बहन चो गांड में के मुंह में बार बार हाथ ही फेरे जा रहा है। और ये मास्टर को बड़ा बड़ा हेड टीचर देख रहा था, यानी कि प्रिंसिपल, वो उससे बोलता है ये तुम बकचोदी क्यों कर रहे हो, पढ़ा नहीं आए हो तो अच्छे से पढ़ाओ, ये देख के हमारे गांडू स्टूडेंट बहन के लोड़े गलत चलेंगे। फिर ये सब सुनने के बाद हमारे मेन हीरो यानी कि हमारे टीचर क्या बोलते हैं, सुनिए। दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा, पढ़ाते वक्त चेहरा पर मुस्कान लाइए। चौधरी साहब, जब जेब में पैसे और घर में चावल ना हो ना तो चेहरे पर मुस्कान नहीं आती है। एक मिनट क्या बोला इसने? जब जेब में पैसे और घर में चावल ना हो ना तो चेहरे पर मुस्कान नहीं आती है। अच्छा, और बहन के लोड़े शुरुआत में जो हगा था तुमने वो? भाई क्या हुआ? कुछ नहीं यार, पापा भी बीमार है और इकोनॉमिकल सपोर्ट भी नहीं। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? नेक्स्ट। अब फाइनली वो वक्त आ चुका है जिसका हम में से किसी को इंतजार नहीं था। अरे भोसड़ी के सुन तो लो पूरी। मेरे कहने का मतलब हमारी फिल्म की मेन हीरो डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर लोड़ा लसन जो कुछ भी है मनोज दे का। ला डॉक्यूमेंट्स। यस। सब सब तो ठीक है, अब चलो काम की बात पे आते हैं। तो बता लाए कितना? सर ने कुछ समझा नहीं। अरे कितना लाए हो? सर इंटर में 70% और ग्रेजुएशन में 80% लाए हैं सर। अबे चुप चुप साले, तेरा डिग्री और मेरिट अपने पिछवाड़े में डाल कर। बाबू सड़ी के बेटे, अरे आज कर दिए साले, हां आज कर दिए साले, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। तुम्हें क्या लगता है हमारी कहानी के मेन हीरो यानी कि हमारे टीचर जी, क्या लगता है तुम्हें कि हमारे टीचर जी अब यूं ही बेरोजगार रहेंगे? अगर तुम्हें लगता है कि यूं ही फिरते रहेंगे तो भेड़ के लोड़ो शर्म कर लो थोड़ी सी, अभी कुछ और होगा क्योंकि मनोज दे का चैनल है ना यार। ये यहाँ तक 1.5 एकड़ जमीन है, रस्सी सटा के काम स्टार्ट करो। बस ये मास्टरवा मान जाए बस। एक काम कर, मास्टरवा को फोन कर। सुबह से फोन कर रहे साला, फोन रिसीव नहीं कर रहा मेरा। तो भूसड़ी के जब फोन रिसीव नहीं कर रहा तो उसके घर जाना बेंचूद, यहाँ पे जंगल में आने की क्या जरूरत पड़ गई तुझे? एक्टिंग विलेन वाली की जा रही लेकिन काम बकचोदी की किया जा रहा है भूसड़ी के। अबे देख मास्टर जा रहा है, पेपर रेडी है ना, बुला साले को। लग तो नहीं रहा मानेगा। मानेगा कैसे नहीं? तुम्हें क्या लगता है कि अब हमारी स्टोरी के विलेन उस मास्टर को पकड़ के रगड़ेंगे? नहीं 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 बहन चोदो, तुम बहुत गलत सोच रहे हो, पहले अपनी सोच बदलो। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ये मास्टर के पास जाएंगे यानी मास्टर इनके पास आएगा और उस मास्टर को ये लिंगा लेंगे और गले में चक्कू लगा के उससे साइन करा लेंगे और हमारा मास्टर हैंड कलोड़ा इतना चूतिया है वो साइन कर भी देता है। और अब आगे स्टोरी में घंटा कुछ नहीं होने वाला, ये बहनचोद यूट्यूब से उठाए हुए सैड बैकग्राउंड म्यूजिक को अपनी वीडियो में पेल देते हैं और बस दुनिया भर की अनगणित कहानी सुनाते रहते हैं। ये बकचोदी वो बकचोदी, बस हमारा मेन हीरो यानी कि मास्टर जी अब बस विलेन बन जाए। तो अच्छा बच्चों बताओ तुम्हें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? रुको मैं बताता हूँ क्या शिक्षा मिली। इन भोसड़ी वालों के हिसाब से यानी कि पढ़े लिखे इंसानों की बस औकात इतनी होती है कि उनको पहले मास्टर भगाता है फिर वो एक
इंटरव्यू वाला यानी कि हमारा मनोज था। फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी यानी कि उसमें पापा मम्मी का आकर सब का आकर फिर भी उस बहन जो चूतिए से मास्टर से साइन करा ली जाते वो सारा हो जाता है उसका। और फिर वही मास्टर बाद में विलेन बनकर उनकी गांड मार देता है। बस कहानी खत्म। माचुदा शिक्षा गई माचुदा ने। गाइस मेरा इस वीडियो को बनाने का बस एक ही मकसद था, टाइम पास मनोरंजन। भैंचो दूसरा कोई मतलब नहीं है, मुझे बस मेरा यूट्यूब चैनल चलाना है मनोज दे या वो ट्यूसडे हो, भैंचो तो मुझे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मनोज की चमचो भीन की लोड़ी गंदी कमेंट करने से पहले एक बार पूरी वीडियो जरूर देख लिया करो। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग यानी कि दिल से शुक्रिया। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना और इंस्टाग्राम के नीचे लिंक है प्लीज फॉलो कर लेना। और आज ये वाली वीडियो देख लेना मनोज देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।